मनोज जी के साथ बिताया है, आज जो इन्होंने आज जनसंपर्क किया उस पर जो निचोड़ मैंने किया वो निचोड़ ये आया है कि निश्चित तौर पे अगर एक जमीन से निकला हुआ व्यक्ति, जमीन से जिसने जमीन की सच्चाई को जाना है कि वाकई मेहनत किसको कहते हैं, आज उन्होंने इतनी भरी दोपहर में नंगे पांव से पूरे गांव के एक एक आदमी से संपर्क किया। लगता है कि अगर इस तरह का नेता मेरा हो जाए निश्चित तौर पर कुछ बदलाव आएगा। तो मैं मनोज जी सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपका जो आज जो मैंने रोल देखा वो वाकई अपने आप में लगता है कि कुछ बदल देने वाला है। और सुबह से आपने कई मंदिरों के दर्शन किए, मैं इस समय काली मंदिर में हूँ सपई में। एक माँ से जो बेटा चाहता है वो क्या चाहता है? माँ से सबसे बड़ी बात है कि एक बेटा अपनी माँ से प्यार चाहता है और माँ का हमेशा बेटे के ऊपर प्यार और आशीर्वाद बना रहता है, बेटा किसी भी प्रकार का हो। मगर यदि बेटा सच्चा और असच्चाई के रास्ते में चल रहा है तो माँ की ताकत उसके साथ होती है। मैं जब भी इस गांव से गुजरा हूँ और आता रहा हूँ तो माता रानी का मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है कि आज जिस स्थिति में मैं खड़ा हूँ, जिस संघर्ष को मैं तय कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझको उनके आशीर्वाद की वजह से ताकत प्रदान हो रही है। आप देख रहे हैं आज मेरे साथ रहे हैं कि इस माँ की ताकत की वजह से ना मुझे गर्म लगती है, ना मुझे कोई तकलीफ हो रही है। नहीं तो लोग कहते हैं कि धूप में कैसे चलते हो नंगे पैर, तो ये तो माँ का एक आशीर्वाद है, माँ का प्रेम है। क्योंकि बच्चा यदि गिरता भी है तो उसको चोट नहीं लगती क्योंकि उसमें माँ का प्रेम होता है। माँ के प्रेम को लेकर मैं आज सफलता की ऊंचाई पर पहुंचूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है, संकल्प। माँ का आशीर्वाद बच्चे के लिए सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। एक माँ के आशीर्वाद से वो कितनी ऊंचाई हासिल कर सकता है ये वो खुद नहीं जानता। इसलिए किसी भी जात बिरादरी का व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसको माँ का आशीर्वाद मिल गया तो उसने वाकई सफलता के झंडे गाड़े। लेकिन इस सफलता में उसको मत नहीं आना चाहिए। जिस सफलता पे वो बैठा है उसके पीछे उसने कौन से वादे किए हैं, लोगों से कौन से वादे किए, अपनी माँ से कौन से वादे किए, सभी पूरे करने चाहिए। और मुझको लगता है जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, नंगे पैर अपना वतन जला रहे हैं, पैरों को जला रहे हैं, तो इसी तौर पे अपने वादों में कुछ टिके रहेंगे। साथ ही बात करते हैं, इनके साथ कुछ गाँव के लोग हैं जिन्होंने पूरा समर्थन किया है। भैया क्या नाम है आपका? राजन राव। राजन राव जी, आप इनका समर्थन क्यों कर रहे हैं जबकि किसी पार्टी से भी नहीं, इनको कोई जानने वालों की संख्या भी कम है, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? हमको देखने में बहुत अच्छे लगे, ये लगा कि काम ये अच्छा करेंगे, इसलिए माता रानी के दर्शन को जरूर करवाएं। क्या जो पार्टियां चल रही हैं, जिनके सांसद हैं, जिनकी सरकार है इस समय देश में, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे? वो कर रहे हैं, हमको ये अच्छे लगे इसलिए हम ये साथ जुड़ गए, घुमाने लगे। तो चलिए धन्यवाद कि कम से कम इतनी धूप में भी आपका साथ दे रहे हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र जी, आप भी सुबह से लगे हुए हैं, तो किस सोच के साथ क्या ये एक अच्छा स्तंभ बन सकते हैं? अच्छा स्तंभ बन सकते हैं वो व्यक्ति ये होता है, कर्मठशील जो होता है, संघर्षमयी होता है, अगले में वो चीज़ नज़र आई जो सुबह से भी लगा अगला, ना पानी ना नाश्ता ना कुछ मेहनत, बट वो लगता है कि आदमी कितनी मेहनत कर ले और हर चीज़ मतलब नवयुवक के लिए जागरूक करना है, गरीबों के लिए है, हर चीज़ के लिए, तो अगला वो चीज़ सोच रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ है अगला, मतलब गरीबी देखी है जिसने वो गरीब को समझ सकता है। भाई साहब का कहना है जिसने गरीबी देखी है वही सच्चा आदमी हो सकता है, लेकिन हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि जिसने गरीबी देखी है वो सच्चा आदमी हो सकता है। सच्चा आदमी से वो हो सकता है जिसको राष्ट्र से प्यार हो, जिसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया तो माँ के जो दूध है उसका कर्ज निभाने की क्षमता रखता हो, वही सच्चा व्यक्ति है। बने रहिए पुलिस प्रेरक साथ।